वहीं प्रदेश में वजीर माफियाओं के बढ़ते आतंक को लेकर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है, या तो वे अपराध छोड़कर दें या फिर राजस्थान। दो दिन पहले अवैध बजरी से भरे ट्रक की ओर से एक व्यक्ति को कुचलने को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर है और ट्रक चालक पर धारा 302 के तहत मामला दर्ज हुआ है। साथ ही परिवहन विभाग ने भी एक महीने में 70 अवैध बजरी के ट्रक जब्त किए हैं। उन्होंने अवैध बजरी पर लगाम लगाने के लिए जल्दी एक पॉलिसी बनाकर निजी खातेदारों को पट्टे जारी करने पर बजरी खनन की अनुमति देने के संकेत भी दिए। परिवहन विभाग की दस्ते लगे हुए हैं। हमने अभी इसी महीने में 70 बजरी के बड़े डंपर भी सीज किए हैं और अभी कल से जब से घटना घटी लगातार मैंने अभियान है। मेरे पास सुबह बात हुई कि जगतपुरा में कोई घटना भी घटी है परिवहन विभाग के तो साथ, क्योंकि बजरी माफिया को रोकना जरूरी इसलिए हो गया और इसको लीगलाइज करना भी जरूरी इसलिए हो गया कि इसकी ऐसी कोई नीति बनाए सुप्रीम कोर्ट की रोके तो इससे माफिया पनप।